बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में नाग पंचमी के दिन एक सपेरे को कोबरा प्रजाति के नाग के साथ खेलना महंगा साबित हुआ। करतब दिखाते वक्त ही नाग ने सपेरे को डस लिया। इस दौरान सपेरे ने अपने पास मौजूद जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र का प्रयोग कर खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला नवाबगंज के रिछौला किफायतुल्लाह गांव का है। यहां का रहने वाला जुनैद बीते कई सालों से सपेरे का काम करता था। नागपंचमी और तीज के अवसर पर इन दिनों क्षेत्र में मेला लगा हुआ था, जहां जुनैद सांपों को लेकर मेले में करतब दिखाने पहुंचा था। वो कभी सांपों को कंधे पर, कभी हाथों पर, तो कभी शरीर के अन्य हिस्सों पर लपेट कर लोगों को करतब दिखा रहा था। इसी दौरान एक कोबरा ने उसकी उंगली में डस लिया, जिसके बाद जुनैद ने अपनी उंगली पर बंद बांधा और अस्पताल ना जाते हुए घर पर ही तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की सहायता से अपना इलाज करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे जहर उसके शरीर में फैलता गया और उसकी मौत हो गई। लोगों के अनुसार अगर जुनैद ने खुद ही अपना इलाज ना करते हुए अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाया होता तो उसकी जान शायद बच सकती थी।